नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने की जगी आज जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को नीति बनाने की आज जगी है। प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बैठक में कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 2555 एसएमसी और 1350 कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर कोई नीति घोषित हो सकती है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए नहीं था कोई अपात दरवाजा, प्रारंभिक जांच में खुलासा। परफ्यूम फैक्ट्री में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फैक्ट्री संचालकों ने बाहर निकलने के लिए कोई आपातकालीन रास्ता नहीं बनाया था। ऐसे में बीते दिन दोपहर को जब आग लगी तो महिलाओं में भगदड़ मच गई। पहली दो मंजिलों में कामगार जैसे तैसे निकल गए लेकिन ऊपरी मंजिल से निकल नहीं पाए। अगर आपातकालीन दरवाजा होता तो कामगारों को छत से नहीं कूदना पड़ता। इस कारण ज्यादा कामगारों की कई हड्डियां टूट गई। एक महिला की जान भी इसी कारण गई। छत से छलांग लगाने के बाद वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। यही नहीं, प्लांट में जो स्टोर बनाया हुआ था उसमें भी आवश्यकता से ज्यादा केमिकल रखा हुआ था। मनाली लाहौल घाटी में जमकर बर्फबारी, अटल टनल में 5 इंच से अधिक हिमपात, कई सड़क बंद, बिजली भी प्रभावित। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल घाटी में मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। रोहतांग दर्रे सहित इन दिनों लाहौल व मनाली घाटी में सुबह 4 बजे से हिमपात हो रहा है। अटल टनल के दोनों छोर में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। अटल टनल के दोनों छोर में 5 इंच से अधिक हिमपात हो चुका है, जिसे देखते हुए मनाली के लॉन्ग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जबकि कुल्लू मनाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अभी सुचारू है। दिल्ली से आ रही वॉल्वो बसें हालांकि 3-4 किलोमीटर पहले रांगड़ी व आलू ग्राउंड में ही रुक रही है, लेकिन छोटे सभी वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग ने 10 छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन तिथि फिर बढ़ाई। प्रदेश भर के कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अब 10 फरवरी तक 10 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी कारणवश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब तीसरी बार छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई है, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में आवेदन की तिथि 30 नवंबर और 31 दिसंबर थी, अब 31 जनवरी से 10 फरवरी की गई है।